हमाराम आके ललिता भक्तान नगड़ा बरुआ टोल्ली की है कि चिपो और बरुआ टुल्लिक के बीच में छोटा सा गांव है कुछ भी समस्या हो तो चल जाएल और नहीं तो नगड़ा बड़ुआ टुल्ली छोटा सा गांव है हमारे नीचे से बोला ना वहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलत है एक तो छपाकल है तो हम पेले पुरखा से हम इनके मतलब छुआछूत छुआ वाला छुआ छुआ मानता जानता हो जाएल तो ऊपर से हम नहीं पीला तो पंद्रह दिन फगुआ से पंद्रह दिन हम इनके ले बहुत ही दिक्कत हो एक तो पुराना डाडी पुरखा बत्ती से है बरसात में इतना ही दिक्कत हो पानी या कदों में ढुक के पानी पिए एक दो तो दिन में डाडी है और एक तो है तो कुआं में अगर चपकल रही सामने तो छोटका छुआ पुत्र हमे भी भरबन अब कुआ इंदिरा में डाँब डाँड़ी में, में पहले एक बार हम इनके हुए से बकरी पिया तो बैल थो एक छोटका छोटका छुआ में जा रहे पानी ले तो ढूसा ढूसी हुआ हुआ डाड़ी में मतलब बाल दूसरा बाल के ढूस दिल बछरू के ढिकाल दल तो हुआ दू गो छौ डूब जा रहे अच्छा। अभी तक मन छुआ कर कान दोनों नीचे डाड़िया में गिर जान और एखन तक मन कर कान एक तो तो पूरा बहिरे हो एक तो हल्का फुल्का सुनाते इस तरह के हम इनके जिंदा है, है ना हाँ, इस तरह के समस्या है इसलिए तो हम विशेष कहा कि इनके विशेष अति जरूरी है और रोड के विशेष जरूरी है और स्कूल है, है तो यही शिक्षा के मतलब शिक्षा के जरूरी है अब आठ क्लास तक अच्छा के एक ठो कैसे पढ़ाई। और वो भी मास्टर है कि कुछ बोले वाला न बस इतना जा ही जाना थे और कुछ जाना थे आगे कैसे इसीलिए तो हाँ, तो हम इनके शिक्षक के एकदम विशेष जरूरी है कहे की छुआ मन के पढ़ाई के अति मकसद है और आगे बढ़ाए के हमने सोच करी ला गरीब आदमी हम इनके दूर दरार प्राइवेट में तो नहीं भी पढ़ा ला लेकिन हिया तो कुछ गरीब बच्चा जाए कि कुछ अति खाना पीना भी मिल ला और कुछ शिक्षा भी मिली कह के, के हम इन कोशिश करी ला लेकिन उसे विशेष शिक्षक के हम इन विशेष जरूरी है अब इतना ही बोल के महारानी के अंत करती देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि पानी की क्या समस्या है जो डाड़ी की इन्होंने बात की दो बच्चे वहां डूब गए थे दो बैलों के बीच में लड़ाई हुई थी उस दौरान इसमें दो बच्चों का कान खराब हो गया है ना कान खराब हो गया बच्चे सुन नहीं पा रहे ये पानी की किल्लत की वजह से शरीर को किस तरह से हानि पहुंच रही है ये ये यहाँ की कहानी बताती है और ये यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का मकसद ही हमारा ये है कि दूर से देखने से लगता है जब आप लोहरदगा पार करेंगे रास्ता तो लगता है कि अगल बगल हैं तो बहुत अच्छा इलाका है लेकिन जब आप उस सड़क से थोड़ी अंदर जाएंगे तो मेन समस्या यहाँ आपको दिखेगी बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जुहार रहेगा